नमस्ते, मेरा नाम है श्रीराम लाली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मुझे ये याद भी नहीं रहा कि घर छोड़ते हुए मतलब घर छोड़कर मुझे कितने दिन हो गए। वैसे भी मेरी छुट्टी को अभी भी एक या दो महीने और बचे हैं। तो अभी मैं जर्मनी छोड़ के एशिया थाईलैंड जा रहा हूँ। यूरोप में बहुत घूमना हो गया, उज़्बेकिस्तान भी देख लिया। तो अब थाईलैंड चलते हैं, आराम करते हैं, बीच में चलते हैं, घूमते हैं, स्विमिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, यही सब बताएं। तो आज के इस वीडियो में ना कि हम अपने घूमने के अनुभव के आधार पर हम ये चीज़ बताने वाले हैं कि हमारे मतलब दक्षिण कोरिया एक नागरिक होने के विदेश में रहकर विदेश में घूमते हुए सबसे ज़्यादा एडवेंटाइज क्या महसूस होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने मतलब एज अ साउथ कोरियन उसके दृष्टिकोण से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। सबसे पहली चीज़ कि हमें कोरियन होने पर बहुत अच्छा लगता है और वो है सेफ्टी। जब सेफ्टी की बात करें तो आप लोग ये कह सकते हो कि यूरोप भी बहुत सेफ़ है और यूपी दिल्ली जैसी जगह भी बहुत सेफ़ है। ऑफ कोर्स मतलब दिल्ली तो मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेफ़ लगा, लेकिन फिर भी अगर हम जन सेफ्टी की बात करें ना, मेरा मतलब जन सुरक्षा की बात करें, तो आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि यूरोप के सड़कों पर और कहीं किसी और देश के सड़कों पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं बहुत बड़ा क्राइम ना होते हुए भी छोटे मोटे जो चोर होते हैं ना, जैसे आपके जेब से कुछ मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं। यूरोप में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ मैंने सुनी हैं। और यहाँ पर तो एक ऐसी कहावत भी है कि जो चीज़ मेरे बदन से चिपका ना रहे वो चीज़ अब मेरी ना रहे, समझ रहे हो। लेकिन कोरिया में रहते हुए पर्सनली मुझे इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि आपको शायद ये चीज़ शॉकिंग लग सकती है कि हमारे जो पब्लिक कैफ़े होते हैं, पब्लिक जो प्लेस होती है जिसको हम पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थल कहते हैं, वहाँ के डेस्क पर आप अपने मोबाइल छोड़ कर जाओ, लैपटॉप छोड़ कर जाओ, यहाँ तक कि अपना पर्स छोड़ कर जाओ, किसी को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मतलब हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हमारा खो जाएगा कि नहीं। हाँ मतलब हज़ार में से एक बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कोरिया में हर जगह सीसीटीवी कैमरा इतने अच्छी तरह से फिट है ना कि अगर देखो किसी भोसड़ी वाले ने उसको चुरा कर भागने की कोशिश भी की तो दो दिन के अंदर ही अंदर उसको कोरिया के किसी भी कोने में पकड़े जाने के चांसेस 101% है, जो कि मुझे अपने देश में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। स्पेन में मुझे ऐसा लगा था कि ये बार थोड़ी बहुत गड़बड़ है, यानी कि मुझे हमेशा अपने मोबाइल, अपनी चीज़ें, अपना बैग हमेशा से ही अपने साथ रखना पड़ता है, इवन हम एयरपोर्ट में भी निश्चिंत नहीं रह सकते। और दूसरी चीज़ कि कोरिया के बहुत एडवांटेज हैं और वो ये है कि वाईफाई लगभग हर जगह मुफ्त में अवेलेबल है। देखो आप लोगों को तो पता है कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, मेरा ऑनलाइन काम है, जिसका मतलब है कि मैं कहीं पर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुझे कहीं पर काम करने के लिए ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है वाईफाई। वाईफाई के बिना मेरा काम नहीं चलता। और कई देशों में ऐसा होता है ना कि आजकल तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है कि कई देशों में मैंने ये देखा है कि वाईफाई ससुरे की उपलब्ध ही नहीं है। सही में क्यों उपलब्ध नहीं है? उसके लिए हमें इंटरनेट अपने पैसे देकर खरीदना पड़ता है और वो भी बहुत महंगे दाम पर। और कई बार तो वाईफाई लोगों लगा होता है, वाईफाई का निशान लगा है, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि ससुरे के आउट ऑफ सर्विस है, काम नहीं कर रहा है। अब तुम लोगों क्यों लगाए हुए? लेकिन कोरिया में आपको मोस्टली ज़्यादातर हर जगह आपको फ्री की वाईफाई मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसमें पासवर्ड भी नहीं लगा होता, तो जिसकी वजह से हम बहुत स्पीड में अपना काम कई बार भी निपट सकते हैं। और तीसरी बात जो कोरिया की शायद मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी है, और वो ये है कि कोरिया में हर जगह आपको मीट ही मीट, मेरा मतलब नॉन वेज ही नॉन वेज मिलेगा। देखो मैं कोरियन हूँ तो शुद्ध कोरियन बंदे को दारू और नॉन वेज इन दोनों चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। वैसे दारू के कल्चर को देखा जाए तो बेशक यूरोप हमसे बहुत आगे हैं, कोरिया में ऑफकोर्स हम हर जगह लगभग दारू पी ही सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत यह है कि स्टेशन पर ना, कोरिया में स्टेशन पर मैंने दारू बिकते हुए नहीं देखा। लेकिन आजकल इस कल्चर में भी बदलाव आ रहा है कि लोग स्टेशन पर भी दारू बेचना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कोरिया में क्या होता है ना कि आपको हर खाने में हर जगह आपको मीट ही मीट मिलेगा, आपको नॉन वेज ही मिलेगा। ऐसा खाना ढूंढना कोरिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जिसमें मीट ना हो। मतलब ये वेजिटेरियंस के लिए कुछ वो कठिन बात हो सकती है, लेकिन कोरिया में और मतलब जिस देश में लोगों को शायद वेजिटेरियन का मतलब ही नहीं पता, मतलब एक्चुअली होता क्या है ना कि कोरियंस को ऐसा लगता है कि अगर हमने खाने में मीट नहीं खाया तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमने खाना खाया है। तो
कई देशों में ऐसा होता है कि एक तो हमें वहाँ की ज़ुबान समझ में नहीं आती और हमें उसका ट्रांसलेट निकाल के पूछना पड़ता है कि ये सब्ज़ी है मीट है, लेकिन कोरिया में एटलीस्ट हम कुछ भी खाना चूज़ करते हैं तो हाँ कुछ भी खाना चूज़ करते हैं तो 98% चांस है कि हमें नॉनवेज ही मिलेगा, जिससे हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। और चौथी बात जो कोरिया के सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे वो ये है कि ज़्यादातर देशों में ना हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। मतलब अभी तक मैं 21 देशों में ट्रैवल कर चुका हूँ और मुझे इंडिया बांग्लादेश जाने के लिए मुझे अग्रिम वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन जैसे हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, जर्मन जाते हैं, इटली जाते हैं और फिर कहाँ चेक रिपब्लिक हो गया, यूरोप के किसी भी देश में जाओ, रसिया के लिए ये रूल लागू नहीं होता होगा। और जब हम उज़्बेकिस्तान भी जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, जो मैक्सिमम कंट्री जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, मतलब वहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा नहीं चाहिए होता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं ना स्पेन में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हॉस्टल में दो हरियाणा के लौंडे ठहरे हुए थे, तो उनसे बात की तो पता चला कि उनको अपने वीज़ा का इंतज़ार करने में 8 महीने लगे, 8 महीने लगे, लेकिन हमें अगर मैं कल स्पेन जाना चाहूँ तो आज का टिकट खरीद कर कल जा सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पांचवी बात, मतलब मैं एक बार तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कोरिया में क्या होता है ना कि कोरिया की सड़कों पर आपको कोई लावारिस कुत्ता नहीं मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो मेरी ज़िंदगी का ना एक ही मोटो है कि मुझे ना ही मौतों से डर लगता है, ना ही भूतों से डर लगता है, डर सिर्फ एक चीज़ से लगता है और वो है कुत्तों से। लेकिन जब मैं तुर्की में गया ना, तुर्की में जाते हैं, तुर्की में और यूरोप के किसी भी कंट्री में, मैं बहुत हैरान हो गया कि लोग इतने बड़े बड़े कुत्ते लेकर घूम रहे हैं। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, मतलब वो कुत्ता पालना चाहे, कोरिया में भी कुत्ते पालने वाले बहुत हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि एक तो उनका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और दूसरी बात कई बार वो बिना रस्सी के घूम रहे होते हैं। भाई अभी पागल है क्या? मुझे मेरा तो ये कहने का मन हुआ कि ये मालिक पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। हाँ सही में, अरे इतना बड़ा कुत्ता और कोई रस्सी बिना रस्सी के कैसे घुमा सकता है? और कई देशों में तो, मतलब तुर्की में तो मैं सही में सड़कों पर चलने से ना कई बार मुझे डर लगता था कि मालिक के बिना, मेरा मतलब लावारिस जो सड़क कुत्ते होते हैं ना, वो सड़क पर ऐसे ही घूम रहे हैं भाई, ऐसे ही। आपको तो पता है कि मुझे मौतों से डर नहीं लगता, ना ही भूतों से डर लगता है, मुझे सिर्फ कुत्तों से डर लगता है। इसलिए जिस स्ट्रीट पर मैंने कुत्ते को देख लिया, चाहे 100 फीट दूर से भी देख लिया ना, तो मैं उस सड़क पर सीधे वो सड़क बदल कर मैं दूसरे सड़क पर चला जाता था, चाहे उसके लिए मुझे आधा घंटा ज़्यादा चलने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन कोरिया में आपको हमारा कुत्ते घुमाने वाले ऑफकोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कोरिया में भी कुत्ते पालने वाले बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटे कुत्ते होते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कोरिया में स्ट्रीट डॉग बिल्कुल ना ही कह सकते हो। जेजु आइलैंड में आपको कुछ कुछ वो इक्के दुक्के मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कोरिया में स्ट्रीट डॉग है ही नहीं, जो कि हाँ उज़्बेकिस्तान में भी सेम बात लागू होती है। इसलिए मुझे ना उन देशों में घूमने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है जहाँ पे कुत्ते कम हों। मतलब हो सकता है कि कुछ कुत्ते लवर मेरे कमेंट सेक्शन में भोंकने आ जाएंगे, लेकिन यह मेरी पर्सनल राय है, मुझे सही में बहुत डर लगता है। अगर समझो कि एक अंधेरे रास्ते पे चल रहा हूँ और अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम डाकू से मिलना पसंद करोगे या कुत्ते से, तो मैं बिना सोचे डाकू से मिलना पसंद करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट डाकू से हम बात करके सुलझा सकते हैं कि उसको जो चाहिए कितना चाहिए और पैसे देकर हम बात को निपटा भी सकते हैं। लेकिन एक तो बात यह है कि कुत्तों से इंसान की बात समझ में नहीं आती, वो क्या चाहता है, हमरा से हमला करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, काटना चाहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे कोरिया के सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि कोरिया के सड़कों पर कोई भी लावारिस कुत्ता नहीं मिलेगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मेरा विचार जानने को मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ, जो है फ्लाइट पकड़ने जाना है। तब तक क्या करते हैं, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे तो सबक सबको जाए, भारत जाए साउथ कोरिया।